हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज हम आपको लेकर के आए हैं इस जगह पे जिसका नाम है BLW, जिसका अब चेंज होके नाम हो गया है BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो आज हम आपको यहाँ पे लेके क्यों आए हैं उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर दिया है हमने, और आपको फिर से बता देते हैं कि इस जगह पे आपको हम दिखाने वाले हैं जो प्रीमियम यहाँ का स्टेडियम है, जो पेड स्टेडियम है। यहाँ पे पेमेंट करके लोग अपना स्पोर्ट्स का कोई भी टूर्नामेंट कराते हैं या कोई यहाँ पे सीरीज़ कराते हैं, तो उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं रेलवे की तरफ से, तो आपको वो सारी चीज़ें भी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है और यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल है बनारस का, सबसे प्रीमियम जगह आपको लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताने वाले हैं यहाँ के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाले अमेजिंग वीडियो ऐसे ही मिलते हैं आपको हमारे चैनल पर बनारस से रिलेटेड और कई सारे इन्फॉर्मेशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं अपने बैक कैमरे से यहाँ के बारे में। लेट्स गो। तो अपनी जर्नी हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये रहा यहाँ का काफ़ी हरियाली भरा जगह है जो ऐसी रोड पे आपको पड़ता है, और इसी रोड से जब आप ये आगे की तरफ चले जाते हो तो ये पहुँच जाते हो। आप थोड़ा सा आगे जाओगे, वहाँ से आप एक राइट लोगे, फिर आगे जाके लेफ्ट लोगे तो आप DLW गेट पे पहुँच जाओगे, जो काफ़ी जाना पहचाना यहाँ का बनारस में सबसे चर्चित गेट है। यहाँ पे डीजल या जो रेलवे कारखाना है, और पहले इंजन बना करते थे सिर्फ डीजल के, अब तो इलेक्ट्रिक और कई सारे यहाँ पे इंजन बनने लगे हैं। आप जो मेरे सामने देख पा रहे हो यही है वो प्रीमियम स्टेडियम जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस किया था। इधर का रूट आप देख सकते हो, कितना साफ़ सफाई, कितना स्वच्छता, और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा धूप है, गर्मियों का मौसम है, इसके कारण से आप जैसा कि पीछे देख पा रहे हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है क्राउड, क्योंकि शाम को होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़। अभी फ़िलहाल आज संडे का दिन है, तो जो आप सामने देख पा रहे हो तो वहाँ पर अभी मैच स्टार्ट करने की तैयारी हो रही है। जैसे एक टेस्ट मैच होता है उसी तरह वहाँ पर दिन में 40 से 50 ओवर के मैच होते हैं सुबह से दोपहर, मतलब इनको खिलाया जाता है ताकि एक प्रैक्टिस बनी रहे इनकी, तो उसी हिसाब से। जो मेरे आप राइट साइड में देख रहे हो ये हैं यहाँ का रेसिडेंशियल इलाका, जो यहाँ पे जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको रहने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं, कोई दिक्कतें परेशानी ना हो। इसीलिए तो यहाँ पे जो रेलवे है वो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इसके अलावा यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो इनकी सुविधाएँ काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, और चाहे लो लेवल के हों चाहे हायर लेवल के। तो फिलहाल अभी कुछ लोग यहाँ पे वॉकआउट कर रहे हैं और कुछ लोग अभी वॉकआउट करके जा चुके हैं। इसी के थोड़ा सा आगे आप जब पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको एक केंद्रीय चिकित्सालय मिलता है जिसका नाम सेंट्रल हॉस्पिटल, जो मेरे ठीक सामने की तरफ आप देख पाते हो। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, अंदर अभी कुछ गेम चल रहे हैं, वो सामने आपने देखा, कई सारे खेलों के यहाँ पे होते रहते हैं। अभी फिलहाल वहाँ पे फुटबॉल चल रहा है, और यहीं पे सामने आपको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा खेल, और उधर जो लोग खड़े हैं वो क्रिकेट खेलने की तैयारी में हैं। 50 ओवर का मैच होता है और वो उनका मेन गेट है, वहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे। उसी के ठीक बाहर आपको सिनेमा हॉल भी दिखाएंगे यहाँ का, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे अंत तक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाला अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा यहाँ तक मिलते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको आगामी दिनों में आपको दिखाने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की। हरियाली, साफ़ सफाई, सुंदरता, और यहाँ की जो मेंटेनेंस है वो आप देख सकते हो। इनका थीम है रेलवे, और कुछ छोटे मोटे फीचर ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा पकड़ जाते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैंक, जी हाँ। तो भाई ये सामने क्या आप देख दिखा रहे हो हम, तो ये सामने जो आप देख पा रहे हो ये हॉस्पिटल है भाई, ये जिसके बारे में मुझे आपसे वर्णन किया था, एक्सप्लेन किया था, सेंट्रल हॉस्पिटल चिकित्सालय केंद्रीय। रेलवे के कर्मचारियों को यहाँ पे अच्छा खासा रेलवे का यहाँ हॉस्पिटल सुविधाएँ मिल जाती हैं।
फिलहाल आज संडे का दिन है तो यहाँ पर अधिकतर लोग स्पोर्ट वॉक के लिए आए हैं क्योंकि आज छुट्टियों का दिन होता है शहर में। ये रहा केंद्रीय चिकित्सालय, हमने इसके बारे में भी आपको एक वीडियो दिया है, आप जरूर जाके चेकआउट करें। इधर वॉलीबॉल का बेस कैंप है, बैडमिंटन वॉलीबॉल, और इधर है सेंट्रल मार्केट। सेंट्रल मार्केट डब्ल्यू का सेंट्रल मार्केट, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो अभी ग्रीन। इस ग्राउंड के ठीक पीछे आप सेंट्रल मार्केट पाते हो, इसके बारे में मैं आपको वीडियो दिया है, यहाँ करके जरूर चेकआउट करें, सर्च आउट करें। और एक चीज़ आपको यहाँ का एक अमेजिंग चीज़ आपको और दिखा दें, ये जो आप सामने देख पा रहे हो ये है इंजन रेलवे का, जो बहुत पहले जो पहली बार बना था, कुंदन इसका नाम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रथम रेल इंजन जो निर्मित था बरेका में, फिलहाल से पहले डिरेका था, अभी बरेका है डीजल रेलवे, तो अभी डीजल के अलावा भी कई सारे इंजन बनते हैं, तो इसीलिए इसका नाम डिरेका से बरेका हो गया, बनारस रेलवे कारखाना। सामने आप क्राउड देख पा रहे होगे, तो ये यही से हमने बोला था आपको कि जब आप सामने की तरफ जाओगे राइट वहाँ से लेना, और यहाँ से आके आपको लेफ्ट लेना पड़ता है, तो आप जब यहाँ से लेफ्ट लोगे तो हम अपने मेन जगह पे पहुँचने वाले हैं। इस कुंदन भाई साहब को यहाँ पे दिखा करके आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको हिस्टोरिक चीज़ें दिखा दें। ये रहा इसका हिस्टोरिक वे, अंदर की सबसे खासियत ये है कि आप देखो बीच में आपको रोड भी दे दिया गया है और साइड में चलने के लिए पाथवे भी दिया गया है, यहाँ पे आप आसानी से रोल स्केट करके आप आसानी से वॉक कर सकते हो। गति सीमा यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि आप 15 से चलो, क्योंकि लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। वॉलीबॉल वालों का बेस कैंप है, आप पीछे देख पा रहे होगे। फिलहाल धूप है, सुबह का गेम यहाँ पे ओवर हो चुका है और शाम की तैयारी होने वाली है, तो अभी यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है। कलांजलि चित्रकला केंद्र, आपको यहाँ पे कई सारे संगीत महाविद्यालय और आगे भी कई ऐसे जगह हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको आपको संस्थान भी देखने को मिलता है जो यहाँ पे एम्प्लॉयों के लिए बना हुआ है, डांस क्लासेस और जुम्बा क्लासेस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है ऊपर। और जिस चीज का था आपको इंतजार वहाँ आ गए हम, तो फिर क्यों हैं आप बेकरार? नहीं करना होगा अब आपको इंतजार, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं एक नया जगह में, सिनेमा हॉल का क्लब बनारस रेलवे कारखाने का, एक और रेलवे का इंजन जो रेडार हो चुका है और यहाँ पे अपनी छवि को बरकरार करके दिखाता है। शाम के समय 1963 में ये पहली बार सिनेमा हॉल
का गठन हुआ था। आप यहाँ पे शाम को आप मूवीज़ देख सकते हो, संडे के दिन आपको 3 टाइम का शो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, नॉर्मल दिनों में 2 या 1। फिलहाल अभी केरला स्टोरी यहाँ पे लगी हुई है इस थिएटर में। आगे रखने के लिए आपको यहाँ पे पार्किंग भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे गाड़ियाँ रख सकते हो। इधर ग्राउंड में आपको थोड़ा ग्राउंड में आपको क्रिकेट देखने के क्रिकेट का मैच देखने को भी मिल जाता है। फिलहाल हम अभी प्रीमियम वाले स्टेडियम में आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि अंदर जाने के लिए आपको बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, पेड अगर आप मेंबरशिप हो तो फिर आप आसानी से जा सकते हो यहाँ पे खड़ी करने के लिए। स्टैंड है साइकिल या फिर गाड़ियाँ, हालांकि आप देख पा रहे होगे ये रहा ग्राउंड। इधर बच्चे क्रिकेट का स्टार्टिंग हो गया है, जैसा कि मैंने बताया था अभी वहाँ पे मीटिंग चल रही थी और अब क्रिकेट। तैयारियाँ चल रही हैं और अब आगे क्रिकेट का स्टार्टिंग। चलिए हम आप आगे दिखाते हैं आपको दूसरी जगह। यहाँ के बारे में आपको कौशन भी बता दें, जो सूचना पट है इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, और फिर जब आप वहाँ से आते हो तो ये रास्ता आपको उसी रास्ते में मिला देता है जो हमने पीछे आपको दिखाया था। तो ये रहा फिर तो वही सिनेमा हॉल जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे संगीत महाविद्यालय, यहाँ पे कई सारी सुविधाएं दी गई हैं संस्था के द्वारा। हैप्पी हॉर्स डे केयर सेंटर भी यहाँ पे है। नागरिक सुरक्षा परीक्षण जब होता है तो वहाँ इसके लिए एक टावर लगा हुआ है। हम आ जाते हैं अब इस स्टेडियम से बाहर की तरफ, और जो मैंने पीछे सिनेमा हॉल दिखाया था इसके बाहर की तरफ आ जाते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या अब क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो खाने पीने की दुकानें हैं आपको यहाँ सामने देखने को मिल जाती हैं कुछ दुकानें, और सेंट्रल मार्केट भी आपको यहाँ का हम दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप बगल में देख पा रहे हो गर्मियों के मौसम में समर कैंप लगता है ACDLW में, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप यहाँ की चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल ये जो हमारे सामने आप देख रहे हो ये हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के ठीक बगल से एक रास्ता जाता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं सेंट्रल मार्केट के बारे में, हमने आपको बताया था तो सेंट्रल मार्केट में कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ कौन कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ छोटी मोटी दुकानें स्टेशनरी की और पान और डिफरेंट टाइप के रिचार्ज की दुकानें हैं। फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे आते हैं तो सेंट्रल मार्केट का मकसद ये है कि बीच में आपको दुकानें मिलती हैं, बाकी साइड में आपको संसाधन। तो ये रहा, ये आगे चौकोर में है, तो हम फिलहाल इधर से चलने वाले हैं, इधर से आपको बताएंगे। जैसा कि आप संडे है तो इस कारण से कई दुकानें जो हैं वो फिलहाल ऑफ चल रही हैं, और ऑफ के कारण आप कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हैं। जैसे कि जनरल स्टोर की दुकान है और खाने पीने की दुकान है। काफ़ी फेमस मार्केट है यहाँ DLW का सेंट्रल मार्केट, जहाँ के एम्प्लॉयज के लिए खासकर बहुत सारी सुविधाएं मिल जाता है। हर एक टाइप के यहाँ पे आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक।
और यहाँ पे आप जो मेरे बाई तरफ देख पा रहे हो ये गैस का एजेंसीज है जो यहाँ पे BLW के अंदर रहने वालों के लिए सुविधा मुहैया कराता है। और ये आगे ऊपर सोलर पैनल दिया गया है जो इस पूरे हाउस को सेंट्रल मार्केट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कई सारे रेस्टोरेंट भी इसी में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल हम आपको जो दिखाने वाले वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। और एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, अगर आप बनारस में रहते हो तो आपको बहुत काम की आने वाली है। अब आप पूछोगे क्या तो बताते हैं, जरूर रुक जाओ देखो। ये रहा जादू की घड़ी और जादू की छड़ी। पूछोगे कैसे, तो सामने आप पढ़ पा रहे होगे जैसा कि कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण केंद्र फिलहाल आज बंद है क्योंकि संडे है। आपको यहाँ का समय भी दिखा देते हैं। यहाँ का समय आरक्षण का समय सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से 13 बजे तक, यानी कि 1 बजे तक, दोपहर में 1 बजे तक। तत्काल आरक्षण अगर आपको कराना है तो आप यहाँ पे 10 बजे आ सकते हो। अब सुविधा ये है कि आप ये कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड एक दिन पहले से ही कागज़ को लिख कर यहाँ पे लोग रख देते हैं कि अगले दिन जब आप आएंगे तो यहाँ से आप तत्काल टिकट या फिर स्लीपर के या AC के जो भी आपको टिकट कराने हैं आप कराओगे। तो जो अंदर बैठे रहते हैं वो इसी लिस्ट के नंबर के आधार पर लोगों को बुलाते हैं और उनका पर्ची काटते हैं और उनका टिकट बनाते हैं। सबसे अमेजिंग चीज़ ये है यहाँ के बारे में आपको बता दें कि जब आप यहाँ पे अधिकतर बड़े बड़े स्टेशनों पे जाते हो तो बहुत भीड़ लगा होता है, लोग रात से ही आगे सो जाते हैं कि हमें अगले दिन तत्काल टिकट कराना है। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, रात में आओ नाम लिख के चले जाओ, सुबह आओ आराम से। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बहुत कम संख्या होती है, आपने जैसा कि देखा 3-4 लोगों ने वहाँ पे नाम लिखा था AC वाले में और बाकी तत्काल वाले में किसी ने स्लीपर वाले में किसी ने लिखा नहीं था। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे टिकट कराने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपको बड़े स्टेशनों पर करना पड़ता है। तो ये रहा पूरा सेंट्रल मार्केट, फिर ये रास्ता वही जाके बाहर आपको हॉस्पिटल की तरफ ले के चला जाता है। और अंदर की बहुत सारी सुविधाएं ये हैं कि आपको BHU की तरह रास्ता दिखने वाला, आप किसी भी चौराहे से किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं। बनारस है यहाँ पे गलियों का शहर भी कहा जाता है, तो इस हिसाब से आपको ऐसे रोड भी दिए गए हैं कि आप गलियों का अनुभव करो, आनंद लो। चारों तरफ हरियाली है और यहाँ के वो जो वाइट एयर कंडीशन है वो काफ़ी ठीक है फिलहाल। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो आपको यहाँ पे ऐसे कई सारे ग्राउंड्स मिल जाएंगे जो ऐसे ही खाली रहते हैं, बीच में स्पेस काफ़ी है। ये स्पेस तब काम आते हैं जब अंदर के लोगों का किसी का मैरिज के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो में पसंद आई, और अगर आपका कोई अपनी राय है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको सॉर्ट आउट करने का, उनको जवाब देने का, रिप्लाई देने का ज़रूर काम करेंगे। तो और इसमें कई सारी जगह हैं जो आपको पीछे स्पोर्ट्स के स्टेडियम, प्रीमियम स्टेडियम और यहाँ का जो आपको सिनेमा हॉल था वो भी हमने आपको दिखाया, सेंट्रल हॉस्पिटल भी आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे देखी होंगी, सीखी होंगी। और अगर आप बनारस में आते हो तो यहाँ पे आप आसानी के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आप बनारस में आते हो तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से यहाँ के चीज़ों को आप आसानी से उस चीज़ तक पहुँच सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि अगर बनारस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव गुरु।